पोकेमॉन ओरिजिन्स एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कैसे रेड ब्रॉक को हराकर बोल्डर बैस जीतता है, अपने पैसे से एक मैजिक आप खरीदता है, फॉसिल ढूंढता है और टीम रॉकेट को भी चोरी करने से रोकता है। साथ ही साथ वो मिस्टी को हराकर कैस्केड बैच भी जीतता है और रेड का चार्मेंडर चार्मेलियन में भी इवॉल्व हो जाता है और वो थंडर बैच भी जीत जाता है और साथ ही एक वाउचर से वो अपना खुद का बाइसाइकिल लेता है और वो ऐसे लैवेंडर टाउन पहुंच जाता है। इसके बाद रेड हमें लैवेंडर टाउन के पोकेमॉन सेंटर में देखने को मिलता है जहां वो एक लड़का और लड़की को पोकेमॉन टावर के बारे में बात करते हुए सुन लेता है। वो लोग बोल रहे थे कि पोकेमॉन टावर में एक घोष देखने को मिला है। तभी रेड बोलता है, क्या सच में? तो वो लोग बोलते हैं, हमने अपनी आंखों से तो नहीं देखा है पर लोग यही बोल रहे हैं। तब रेड उनसे पूछता है, तो आखिर ये पोकेमॉन टावर है क्या? तो वो लोग बोलते हैं, शायद तुम इस शहर में नए आए हो इसलिए तुम्हें पता नहीं। असल में पोकेमॉन टावर पोकेमॉन का ग्रेव साइट है जहाँ दूर दूर से लोग पोकेमॉन के लिए अपना रेस्पेक्ट दिखाने आते हैं। क्या तुम भूत पर बिलीव करते हो? तो रेड बोलता है, बिल्कुल भी नहीं। तभी वो लड़की बोलती है, तुम्हारे शोल्डर के ऊपर जो भूत है क्या तुम उसे भी नहीं देख पा रहे हो? तभी रेड शॉक होकर अपने शोल्डर को देखता है और फिर जब वो सामने देखता है तो वो दोनों ही गायब हो जाते हैं। इसके बाद नर्स जॉय रेड को बुलाती है, रेड तुम्हारे सभी पोकेमॉन बिल्कुल फिट एंड फाइन है और अगर तुम पोकेमॉन टावर जा रहे हो तो मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ उससे पहले एक बार पोकेमॉन हाउस घूम के आना। तो इसके बाद रेड हमें पोकेमॉन हाउस देखने को मिलता है जहां वो एक लड़की से मिलती है। रेड उससे पूछता है, तो आखिर ये पोकेमॉन हाउस है क्या? तो वो लड़की उसको बोलती है, इस हाउस में हम अनाथ पोकेमॉन का देखभाल करते हैं। इसके बाद वो लड़की रेड को अंदर ले जाती है जहाँ बहुत सारे अनाथ पोकेमॉन होते हैं और वो लड़की बोलती है, असल में यहाँ का ओनर मिस्टर फूजी है, वो पोकेमॉन को इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि उन्होंने अपने घर को एक पोकेमॉन हाउस बना दिया है और वो इतने अच्छे है इसीलिए मैं उनके साथ काम करती हूँ। अरे मैं तो अपना नाम बताना ही भूल गई, मेरा नाम है रेना। वहाँ के पोकेमॉन बहुत ही ज्यादा खुश थे पर रेड तभी एक सैड बेबी क्यूबॉन को देखता है। तब वो उस लड़की से पूछता है, ये पोकेमॉन इतना सैड क्यों है? तो वो लड़की बोलती है, इसका कारण टीम रॉकेट है। एक दिन टीम रॉकेट इस बेबी क्यूबॉन को पकड़ रहा था पर तभी इसकी मॉम मेरोवैक वहाँ आ जाती है और वो बेबी क्यूबॉन को बचा लेती है पर उसके बाद टीम रॉकेट मेरोवैक को मार देती है और इस अकेले बेबी क्यूबॉन को मिस्टर फूजी रेस्क्यू करते हैं। तब से ये सिर्फ और सिर्फ मिस्टर फूजी के साथ ही हंसता खेलता है, बाकी लोगों के सामने आने से डरता है। ये सुनकर रेड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और रेड बोलता है, ये जगह इतना अच्छा है इसीलिए ही नर्स मुझे यहाँ आने के लिए बोल रही थी। तभी वो लड़की बोलती है, मिस्टर फूजी सिर्फ काइंड ही नहीं बल्कि बहुत ज्ञानी भी है, उन्हें पोकेमॉन के बारे में सब कुछ पता है। तभी रेड बोलता है, अभी मैं एक मिशन पे हूँ, मुझे मेरा पोकेडेक्स फुलफिल करना है, काश मैं उनसे मिल पाता, वैसे वो है कहाँ? तभी वहाँ एक आदमी आता है और वो बोलता है, मुझे पता चल गया है मिस्टर फूजी कहाँ है, कल मिस्टर फूजी को कुछ लोगों ने पोकेमॉन टावर के पास जाते हुए देखा है। तभी वहाँ की एक लड़की बोलती है, मिस्टर फूजी पोकेमॉन टावर इसलिए गए हैं ताकि वो टीम रॉकेट को भगा पाए। तो ये सब रेड सुनकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तभी वो पूछता है कि पोकेमॉन टावर में आखिर चल क्या रहा है। तभी रेना रेड को बोलता है, एक दिन अचानक से टीम रॉकेट अपने ट्रक के साथ पोकेमॉन टावर में चला आता है और वहाँ जो भी विजिटर्स जाते हैं वो उन्हें भगा देता है। तभी वहाँ एक लड़की बोलती है, और इसके बाद मैं जब छुपके पोकेमॉन टावर गई थी तो मुझे वहाँ एक रियल घोष देखने को मिला, वो बहुत ही ज्यादा डरावना था। तभी रेना बोलती है, तो चलो मिस्टर फूजी को बचाते हैं। तभी वहाँ के सभी लोग बोलते हैं, नहीं नहीं हम टीम रॉकेट के साथ लड़ नहीं पाएंगे। ये सुनकर रेना बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसके बाद रेड बोलता है, मैं लड़ूंगा टीम रॉकेट के साथ। वो अपने तीनों बैजेस दिखाकर शो ऑफ करने लगता है और बोलता है, देखना मैं टीम रॉकेट को हराऊंगा और पोकेमॉन टावर के रहस्य को भी सॉल्व करूंगा। इसी सीन में दरवाजे के पीछे हमें ब्लू देखने को मिलता है जो छुप छुप के सब कुछ सुन रहा था। अगर मैं सबसे पहले पोकेमॉन टावर जाता हूँ और टीम रॉकेट को भगाता हूँ तो मैं हीरो बन जाऊंगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और रेड हमें पोकेमॉन टावर के सामने देखने को मिलता है, पर रेड के दिल में भी थोड़ा सा डर तो था ही। इसके बाद रेड पोकेमॉन टावर के अंदर चला जाता है और वहाँ उसे एक लड़की देखने को मिलता है और वो लड़की बोलती है, चिंता मत करो मैं भूत नहीं हूँ, मैं तो यहाँ अपने पोकेमॉन से मिलने आई थी। रेड बोलता है, क्या तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता? तो वो लड़की बोलती है, भूतों से डरने का क्या है, डरने का कारण तो बस टीम रॉकेट है। इसके बाद हमें ब्लू देखने को मिलता है जो बोलता है, क्या बकवास है, पोकेमॉन टावर में भूत, मैं इस टावर के रहस्य को सॉल्व करूंगा और मैं हीरो बन जाऊंगा। इसके बाद हमें टीम रॉकेट देखने को मिलता है, उनमें से एक मेंबर बोलता है, क्या तुमने उस रूमर के बारे में सुना, लोग कह रहे हैं कि इस टावर में एक भूत है। तो दूसरा मेंबर बोलता है, चुप कर यार, वो बस एक घोस्ट टाइप पोकेमॉन ही तो है। तो वो बोलता है, नहीं नहीं लोग बोल रहे हैं कि वो रियल घोस्ट है। तो एक और मेंबर बोलता है, रियल घोस्ट हो या फिर घोस्ट पोकेमॉन।
मैं इस गैजेट से सब कुछ देख पाऊंगा। इसके बाद हमें ब्लू को दिखाया जाता है जिसके सामने अचानक ही एक घोस्ट अपीयर हो जाता है और यार ब्लू की फटके हाथ में आ जाती है और वो चिल्लाते हुए भागने लगता है। ये सुनकर टीम रॉकेट भी वहाँ चला आता है और हमें ब्लू देखने को मिलता है जिसकी इतनी ज्यादा फटी हुई होती है कि वो रेड को आकर हग कर लेता है। ब्लू बोलता है भागो यहाँ से, पर रेड यार नहीं भागता। वो बोलता है अगर तुम्हें जाना हो तो जाओ। फिर वो 4 मिलियन को बाहर निकालता है और इसी बीच ब्लू वहाँ से कल्टी मार लेता है। फिर ब्लू के सामने टीम रॉकेट चला आता है और ब्लू अपने वॉटर टॉल को बाहर निकालता है। दूसरी तरफ रेड 4 मिलियन को हमला करने के लिए बोलता है, पर वो हमला किसी भी काम में नहीं आता। इसके बाद ब्लू रेड के पास आता है और उसे वो गैजेट देता है। फिर रेड जब वो गैजेट पहनकर देखता है तो वो घोस्ट और कोई नहीं बल्कि मेरोवक का आत्मा होता है। और यार हमें दिखाया जाता है पोकेमोन हाउस से बेबी क्यूबॉन भी भागते हुए पोकेमोन टावर में चला आता है। असल में जो मेरोवक का आत्मा था वो सभी लोगों को पोकेमोन टावर आने के लिए इसलिए मना करता था क्योंकि उसे लगता था लोगों को टीम रॉकेट से खतरा है। इसके बाद रेड भी 4 मिलियन को वापस बुला लेता है और क्यूबॉन की मॉम मेरोवक को मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद ब्लू बोलता है अब सब कुछ रेडी संभाल लेगा और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद रेड टीम रॉकेट के कॉफिन के साथ लड़ाई करता है और रेड अपने पोकेमोन जोल्टियन को भेजता है और इस लड़ाई में बेबी क्यूबॉन भी रेड का मदद करता है और आखिरकार रेड टीम रॉकेट को हरा देता है। फिर टीम रॉकेट वहां से कल्टी मार लेता है। इसके बाद रेना और रेड मिलकर मिस्टर फूजी को ढूंढ निकालते हैं और पोकेमोन टावर फिर से पहले जैसा हो जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है, रेड रेना और मिस्टर फूजी हमें पोकेमोन हाउस देखने को मिलता है। मिस्टर फूजी बोलते हैं तुम्हारी वजह से अब बेबी क्यूबॉन दूसरे लोगों के साथ भी कंफर्टेबल है। मैंने सुना तुम एक मिशन पे हो, तुम पोकेरेस को पूरा कर रहे हो और इस मिशन में मैं तुम्हारा हेल्प करना चाहता हूँ, चलो मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। और इसके बाद मिस्टर फूजी रेड को एक पोके फ्लूट देते हैं और एक बॉक्स देते हैं। जब रेड उस बॉक्स को ओपन करता है तब वहाँ दो स्टोन्स होते हैं। रेड बोलता है ये क्या है, तो मिस्टर फूजी बोलते हैं तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा ये क्या है। इसके बाद सीन चेंज होता है और रेड अपना बाइसाइकिल लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद रेड रास्ते में ब्लू से मिलता है। ब्लू बोलता है मुझे थैंक्स बोलो, मेरी वजह से ही तुम पोकेमोन टावर के रहस्यों को सॉल्व कर पाए। तो रेड बोलता है अच्छा तो वो कौन था जो डर रहा था। ब्लू बोलता है मैं कभी डरता नहीं। तो रेड हंस के वहां से चला जाता है और ऐसे ही एपिसोड 2 खत्म हो जाता है।